तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। आज हम मौजूद हैं आदित्यपुर के आईटी सेंटर में, जहां पे इंडोमैक B2B इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इंजीनियरिंग एक्सपो लगी हुई है। सर, अभी टाटा ऑफ ग्रिड सिस्टम लॉन्च किया है, जो पूरा कॉम्बो पैक के साथ आ रही है, जिसमें कि टाटा का बैटरी, टाटा का सोलर, टाटा का इन्वर्टर, वो पूरा कॉम्बो पैक आपको मिलेगा। और यदि आप इंस्टॉलेशन करवाना चाह रहे हैं तो अभी बहुत ही कम मार्जिन के ये इंस्टॉलेशन कर रही है आपकी। इसमें बैटरी पे जिसका 5 साल की वारंटी है, सोलर पे 25 साल की वारंटी है और पूरा सिस्टम पे 5 साल की वारंटी दे रही है। It's a new startup of machine tools and solution, e-vehicle, e-power, green way of living. तो हम just अभी recently हमने within the 6 month अभी हम लोग ने ये start किया है। तो हम लोग basically ये power pack, battery power pack and controller बनाते हैं। कंट्रोल बना के हम लोग साइकिल में असेंबल करके आपको पूरा का पूरा ई साइकिल प्रोवाइड करते हैं। आप एग्जिस्टिंग साइकिल लाइए, आपका नॉर्मल साइकिल, उसमें हम लोग ई पावर डाल के आपको ई पावर देंगे। उसमें पैडलिंग आप करके नॉर्मल चला सकते हैं और कभी आप थक गए तो आप ई पावर का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल साइकिल में 16,000 आता है, 1 ईयर का वारंटी रहेगा आपका और बैटरी पैक में 3 साल का अराउंड रहता है। यह है 3D प्रिंटर, जिस तरह आप घर पे किसी फोटो को प्रिंट करते हैं वैसे ही कोई प्रोडक्ट को प्रिंट करती है। सर, आप थोड़ा सा ERP सॉफ्टवेयर के लिए बताइए, क्योंकि जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटे छोटे शॉप यानी कि आप रिटेल आउटलेट्स जो बोलते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर्स अभी भी लोग ट्रेडिशनल तरीके से हिसाब किताब कॉपी पेन बही खाता में करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक प्रोसेस हो जा रहा है। जैसे सेल्स बढ़ता है उसमें प्रॉब्लम ही बढ़ती है, तो जो ERP सॉफ्टवेयर से जो मॉल्स में यूज़ होता है तो उसको लेके कॉन्सेप्ट बना रहता है हमेशा दिमाग पे कि ये कॉस्टली होगा या फिर इसको कोई डेवलप करता होगा या फिर कोई उनका सॉफ्टवेयर खुद का इंजीनियर होगा जो डेवलप करता होगा, तो वो चीज़ को लेके आप एक बार बताइए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से इस गैप को ब्रिज करता है। देखिए, SAP ऐसा 50 साल कम्प्लीट किया है। SAP एक इंटरनेशनली रिनोन्ड सॉफ्टवेयर है जो ERP बनाते हैं और डिफरेंट कस्टमर को वो ERP प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने बोला है, ट्रेडिंग कंपनीज जो होते हैं, छोटे कंपनीज जो होते हैं, अक्सर वो अपने थॉट्स में ही डूबे रहते हैं और उनका एप्रिहेंशंस भी रहता है कि गलत फहमियाँ जो है वो रहता है कि ये महंगा हो सकता है, ये हमारे लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए, ऐसा करके उनके पास वो थॉट्स रहते हैं और ये कुछ उसके आगे बढ़ नहीं पाते हैं, ना किसी से पूछते हैं। हम यहाँ पे अपना ऑफिस इसलिए सेटअप किए हैं ताकि ये लोगों को बताएं कि ERP क्या होता है और उसके क्या फ़ायदा होते हैं। जैसे छोटे, आपने एग्जांपल दिया है, छोटे ट्रेडर का क्या फ़ायदा होता है, छोटे ट्रेडर का क्या, उसको पहले ये चाहिए कि मेरे ऑर्डर्स जो आ रहे हैं उसका एक फ्लो से आए ऑर्डर्स, और जो मैं उसका स्टॉक मेरे पास है उसका कितना मैं कर पाऊंगा उस ऑर्डर्स को, वो विजिबिलिटी नहीं हो पाता है क्योंकि एक सिस्टम नहीं है उनके पास। तो ERP के ज़रिए इस सिस्टम को बनाते हैं और ना सिर्फ ये इन्वेंट्री और उसका कस्टमर सेल्स का वो करता है, उसको जो कितना माल उठाना है अपने सप्लायर से और कब कब उठाना है, उसको कब पेमेंट देना है या उसका कस्टमर से पेमेंट कब लेना है, कितने दिन में वो आता है, ये सब का हिसाब किताब रहता है। इसके अलावा जो वो टैली में मैनेज करते हैं अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रायल बैलेंस, ये सब जो स्टैट्यूटरी टैक्सिंग और GST और इसके लिए होता है, वो भी इसी में मैनेज होता है। अभी ये सब के चक्कर में ये लोग एक्चुअली फंस जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू डिसाइड, वो लोग चुन नहीं पाते हैं कि कौन सा अच्छा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो अगर हमारे जैसे कंपनीज को वो अप्रोच करते हैं तो हम उनको एडवाइस और कंसल्टिंग भी देते हैं उनके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा रहेगा और कैसा वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
3,500 आरपीएम। तो मोस्टली आपको इस एक्सपो में वो सारी प्रोडक्ट्स देखने को मिलती हैं जो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल हब में मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो यदि आप कोई बिजनेस में हैं या फिर कोई कंपनी आप खोलना चाहते हैं तो कंपनी खोलने के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए वो सारा यहाँ डिस्प्ले होता है, फ्रॉम सीएनसी मशीन्स टू द टूल्स, नट बोल्ट से लेके कटर मशीन से लेके एवरीथिंग। बट ये जो डिवाइस है ये मल्टीपल स्ट्राइक सहता है, इस पर अगर 20-25 लाइटनिंग भी गिरता है ये डैमेज नहीं होता, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। प्लस इसकी जो करंट कैरिंग क्षमता है ये 40 किलो एम्पियर से भी कम होती है, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 100 किलो एम्पियर। तो अगर 100 किलो एम्पियर तक का बिजली गिर रहा है उसके ऊपर तो ये उसको आराम से डिसिपेट कर देगा, ये साथ में हमारा अर्थिंग और पूरा जो सेटअप है। एक्चुअली मेरा नाम तो विशाल सोनकर है, मैं ऑनर हूँ नाउ केयर फर्म का। एक्चुअली मैं यहाँ पे 2 साल से आ रहा हूँ, जब भी एग्जीबिशन लगती है मैं यहाँ पे आता हूँ। और मेरा मेन मोटिव यहाँ पे आना है ये है कि मैं एज अ ट्रेडर भी हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या है कि न्यू इनोवेशन कुछ भी बोले तो आपका इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स हो गया, और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट को जो यूज़ करते हैं उस पर बहुत सारा आपका इक्विपमेंट्स होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। जैसे कि हमारा काम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करता हूँ मैं इंडस्ट्री के लिए, और वाटर ट्रीटमेंट पे भी डील करता हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए रहता है जो कि मैं जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ जो सिविल प्रोसेस है, तो उसको मैं चाहता हूँ कि मैं उसको थोड़ा, अगर मुझे कोई कस्टमाइज कुछ फ़िल्टर मिल जाए या फिर कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी मिल जाए जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो और बहुत ज़्यादा ही अच्छा तरीका से वर्क करे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। तो मुझे बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिला और बहुत सारे चीज़ मुझे यहाँ पे न्यू एक्सपीरियंस हुआ, तो यहाँ पे बहुत लोगों से जानकारी मिलती है तो इसका फ़ायदा मिलता है। और आप इंडस्ट्री पे आप विजिट करते हो, पिचिंग करते हो, तो आप यहाँ से डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले सकते हो।